What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज की वाली वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ अपना न्यू गेमिंग रूम. बट ये चैलेंज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मैं कोई अपने पुराने गेमिंग रूम को रेनोवेट नहीं करने वाला हूँ. मुझे काम करना होगा प्रॉपर एक नए रूम पे जिसमें बहुत सारा कबाड़ा भरा हुआ है. तो सबसे पहले तो मुझे इस रूम से सारा कबाड़ बाहर निकालना होगा. वैसे एक सेकंड, ये कुछ भी कबाड़ नहीं है, सारा मेरा काम का सामान है भाई. ये मेरी साइकिल है, इसको मैं स्टंट सीखने के लिए लाया था. और ये है मेरी भाई सबसे तगड़ी रिमोट कंट्रोल कार जो कि हमेशा गंदी पड़ी रहती है. एक सेकंड, ये क्या है भाई? FPV ड्रोन मैंने कब खरीद लिया, इसको खोला ही नहीं मैंने अभी तक. यहाँ पीछे मेरा स्टीयरिंग व्हील भी पड़ा हुआ भाई, इसको भी सेटअप में लगाऊंगा, अपने गेमिंग वाले गाड़ी चलाएंगे एकदम बढ़िया. भाई एक सेकंड, इधर मेरा 10 साल पुराना क्रिकेट बैट भी है यार. सच में इधर बहुत सारा सामान है, बहुत सारे डब्बे हैं जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है. फिलहाल अभी साइकिल बाहर निकालते हैं और रूम को खाली करना शुरू करते हैं, अपने पास टाइम नहीं है. इसको चला भी लेता हूँ थोड़ा. भाई जब मैं कोरिया गया था ना, वहां से मस्तांग का RC कार लेकर आया था और इस गाड़ी को मुझे पूरा असेंबल करके खुद बनाना है. बट ये भी पैक का पैक ही पड़ा हुआ है. भाई ये देखो, ये YouTube का पिलो है और YouTube का लोगो है. ये भी मैंने यहां पर धन्यू रखा हुआ. अभी बहुत काम बाकी है, मुझे इस पूरे रूम में पेंट भी करना होगा. ये तुम देख रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा अच्छा सा पेंट है, बट एक्चुअल में वॉलपेपर है जिसका कलर भी उतरने लग गया है. तो मुझे पहले इस वॉलपेपर को हटाना है, पेंट लेकर आना है, यहाँ पे पेंट करना है, फिर इस रूम के लिए सारा सामान लाना है और टाइम बहुत कम है, जल्दी से करते हैं, लेट्स गो. तो शॉपिंग पूरी कर ली है, बहुत सारा अलग अलग सामान मैं लेकर आया हूँ. ये काफ़ी सारे अलग अलग कलर के स्प्रे हैं जिससे मैं वॉल पे ग्राफिटी करने वाला हूँ. पेंट करने के लिए मस्त रोलर है और ये पेंट बकेट है जो कि ग्रे कलर की है, थोड़ा डार्क रूम बनाएंगे. ये बॉक्स है जिसके अंदर एक बहुत ही मस्त सी ड्रिल मशीन है. तो ये कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है छोटी सी, इससे मैं वॉल पे छेद करके सामान टांगूंगा. तो जो जो सामान मेरे को चाहिए वो सारा कुछ मैं लेकर आ चुका हूँ. तो फटाफट से पहले इस टूल को लेकर चलते हैं, इससे मैं वॉलपेपर निकाल सकता हूँ. आ जाओ. वैसे तो मैंने ना ही वॉलपेपर कभी लगाया है ना ही निकाला है, बट हाँ कर लूंगा, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है. गेम्स में बहुत करा है, रियल लाइफ में भी आसान ही है, हो जाएगा. बस टास्क ये है कि बहुत आराम आराम से करना है ताकि वॉल का POP ना खराब हो जाए, वरना मेरे को POP भी करना पड़ेगा. मुश्किल तो वो भी नहीं है बट अपने पास टाइम बहुत कम है, तो काम को तमीज में जल्दी जल्दी करते हैं. ये तो डिजाइन है. 5 minutes later. तो फाइनली पूरे के पूरे रूम की वॉल पेपर मैंने उतार डाले और बहुत ज्यादा गंद मच चुका है. और इस गंद के साथ साथ एक और प्रॉब्लम हो गई है इस वाली वॉल पे. इतनी तेज तेज वॉल पेपर मैंने खींचा कि एक साइड का पूरा POP हट गया. तो यहाँ पर अभी मेरे को POP करना पड़ेगा, काम थोड़ा सा बढ़ गया है. तो अभी सारी वॉल्स पेंट करने के लिए एकदम मस्त रेडी हो गई है. मेरे पास ये रोलर है जिससे मैं पेंट कर सकता हूँ, पेंट बकेट है और उसके लिए ट्रे है. तो सब कुछ है, लेकिन ना एक प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम ये है कि जब मैं पेंट करूँगा ना, तो हो सकता है पेंट इन स्कार्टिंग पे भी आकर टच हो जाए और फिर बाद में इसे साफ करना वो एक बहुत खराब टास्क है. तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो टेप है और सीजर है, मैं पहले से ही बाकी सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा, जितनी भी अनवांटेड चीज़ है जहाँ पर मैं पेंट नहीं करना चाहता. तो मुझे कुछ नहीं करना, उन सब जगह पर ये टेप लगा देनी है ऐसे. तो इन सब जगह पर मैं टेप लगा दूंगा और जब ऐसे पेंट हो जाएगा बाद में इसको उतार दूंगा, दैट्स इट. ताकि जितनी भी अनवांटेड प्लेस है यहाँ पर पेंट ना हो और मुझे बाद में क्लीन भी ना करना पड़े. तो अभी सारी चीज़ों को एकदम प्रॉपर कवर करते हैं. भाई देखो, गेम हो या रियल लाइफ, तुम्हारे भाई को डिटेलिंग में काम करना पसंद है, चाहे कितनी भी मेहनत लग जाए.
ऑल राइट, तो फाइनली अब बारी आ चुकी है पेंट करने की, और मैंने अपनी टी शर्ट चेंज कर आ गया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कपड़े गंदे होने वाले हैं, तो ये ब्लैक है कितना भी गंदा हो जाए। तो ये है पेंट जो कि मैं वॉल पे करने वाला हूँ ग्रे कलर का। वैसे मुझे मालूम नहीं है कि इसमें पानी मिलाया जाता है नहीं मिलाया जाता, कितनी क्वांटिटी रखनी है, बट ठीक है स्टार्ट करते हैं, नहीं हुआ तो दोबारा से कर देंगे, कुछ तो हो जाएगा। ओहो, पहली बार मैंने करा है पेंट बचपन में, बट वो अच्छा नहीं था। ये आया तो है कुछ, वॉल पे करके देखता हूँ कैसा हो रहा है। तो टेक्सचर आ रहा है बहुत सही, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। थोड़े मैकेनिक समझ रहा हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। पहले पानी डालते हैं, बहुत गाढ़ा हो रहा था इसलिए नहीं हुआ। यार गेम वेम में तो ऐसी बकेट लाते हैं करने लग जाते हैं। अब फील आ रही है भाई साहब, ऐसा लग रहा अब होगा पेंट, प्रॉपर पेंट होगा। तो यानी मुझे थोड़ा पानी मिलाना था, डायरेक्ट नहीं होता भाई। भाई पेंट करने में क्या मजा आ रहा है भाई, जिंदगी सेट हो गई। तुम्हें भी अगर अपने घर पे पेंट कराना हो तो अभी जाओ टेक्नो गेमर्स को सब्सक्राइब कर दो, मैं पेंट करने आ जाऊंगा तुम्हारे घर पे। कलर बता देना लेकिन कौन सा कराना है। अभी पेंट तो बहुत अच्छे से होने लग गया है, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अभी ना मैंने पानी ज्यादा डाल दिया, तो थोड़ा सा पेंट और डालते हैं। अभी बहुत ही लाइट हो गया यार, मैं बहुत डार्क कलर लेकर आया। ये वाली साइड थोड़ी गंदी हो गई है, दूसरी साइड को करेंगे भाई। थोड़े नए नए पेंटर है भाई, अभी सीख जाएंगे, टेंशन मत लो। तो फाइनली मैंने अपने रूम में पेंटिंग कंप्लीट कर दिया है, सारी वॉल्स इस टाइम पर एकदम बढ़िया तरीके से पेंट हो चुकी है। और सही बता रहा हूँ भाई, पेंट करना मुश्किल नहीं था। उसके बाद जो मैंने फ्लोर की सफाई करी है ना, असली बैंड उसमें बजी है, एक एक उंगलियां दर्द हो रही है भाई। खैर ये तो होगी पेंटिंग शेंटिंग की, बहुत पहले से होती आ रही है, बट अब तुम्हारा भाई दिखाएगा तुम्हें अपनी असली क्रिएटिविटी। मैं स्प्रे बॉटल्स लेकर आया हूँ, और मैं इस वाली वॉल पे बनाने वाला हूँ एक ग्राफिक इन स्प्रे बॉटल्स का यूज करके। तो स्प्रे पेंटिंग करने वाला हूँ मैं यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से, टेक्नो लिखेंगे। वैसे मैं पहली बार कर रहा हूँ तो हो सकता है बहुत खराब भी हो जाए, बट टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना एक ब्लैक स्प्रे है, ये इरेजर का काम करेगा। ओके, मुझे लिखना है टेक्नो, तो यहाँ पर लिखेंगे TECHNO, ये सेंटर है। मेरा सेटअप उधर होने वाला है, यानी कैमरे में बैकग्राउंड में दिखेगा। तो हाथ कांप रहे यार। ओके, टी की डंडी खींच चुकी है, डर क्यों लग रहा है मतलब? भाई देखो मेरी ना स्कूल टाइम पे राइटिंग अच्छी थी, ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे आज। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि एन थोड़ा बड़ा बन गया? बट जो भी अभी अभी तो अच्छा लग रहा है यार, जो भी बन रहा है सही दिख रहा है। टेक्नो मैंने वॉल पे लिख दिया, बट ये काफी चिंदी लग रहा है यार। कोई बात नहीं, अपने पास और भी काफ़ी सारे स्प्रे हैं, थोड़ी कलाकारी दिखाते हैं इससे भी। क्या है ये? ओहो, वाइब तो आने लग गई अचानक से। यार देखो ये बहुत सही दुकान है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी पसंद आ रहा है और शायद तुम्हें भी पसंद आ रहा होगा। बट मेरे पास ना ये नियॉन पेंट है, तो अब मैं थोड़ा रिस्क लेने वाला हूँ, इस पेंट से बॉर्डर बनाते हैं। अब या तो ये उसके बाद बहुत अच्छा ही दिखेगा या फिर खराब हो जाएगा, लेट्स सी। ऑल राइट, तो तुम्हारे भाई ने बढ़िया सी स्प्रे पेंटिंग वॉल पे कर दिया है, तुम्हें कैसी लग रही है नीचे कमेंट्स में जाके बताओ, 10 में से नंबर दो। देखो मैं 10 में से 11 दे रहा हूँ, तुम 10 में से 5, 6, 7, 8 जितने लग रहे हैं दो फिलहाल। हाँ अभी बातें कम करते हैं, टाइम बहुत कम है क्योंकि पेंटिंग वेंटिंग करने में ही अपने 8 घंटे जा चुके हैं। वैसे तो फ्लोर पे ऑलरेडी काफी अच्छी टाइल्स लगी हुई है, बट इसको और प्यारा बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ कुछ कारपेट्स, तो इसको मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। भाई बहुत भारी है यार ये। तो ये होने वाले अपने पीसी का कैबिनेट तो नहीं है, बट हाँ ये अपना क्या बोलते हैं इसको, टेबल होने वाला है। ये एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इसके ऊपर टेबल आएगा, बट इसको मेरे प्रॉपर सेट करना होगा। ये भाई ये खाली इतना ज़्यादा भारी है यार, अभी तो 2 और पीस लाने हैं। ओ भाई सच बहुत भारी है यार ये, कहीं दूर से नहीं ला रहा हूँ, बगल वाले रूम से ही ला रहा हूँ, उसी में बैंड बज गई, बच गया भाई इसमें सामान था थोड़ा। तो दोनों कैबिनेट आ गए थे, ये लास्ट टेबल टॉप बचा था, तो ये भी मैं ले आया हूँ, बस इसको यूं रखना है। हाँ चलो भाई,
फाइनली अपना गेमिंग टेबल आ चुका है अभी भी, लेकिन बहुत सारा फर्नीचर है जो कि मुझे लेकर आना है। पहले इसको प्रॉपर सेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ चलो भाई डन। तो ये एक फर्नीचर है जो कि मैं लेकर आया था, मतलब टेबल है जिसमें मैं बहुत सारे एक्शन फिगर्स वगैरह और बहुत सारे प्रॉप रखता हूँ। सही लग रहा है ना यहाँ पे यार, बताओ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आ गया ये, इधर आएगा मेरा बेड और अभी छोटा मोटा और भी काफ़ी सारा सामान है जो कि मैं इधर उधर लगाने वाला हूँ। उधर एक प्लांट लगा सकता हूँ मैं। तो अपने पास है दो कॉर्नर्स और दोनों कॉर्नर के लिए मेरे पास बढ़िया बढ़िया प्रॉप है। इधर मैं लगाने वाला हूँ ये मस्त सा प्लांट। भाई कहने को फेक प्लांट है बट भारी बहुत है क्योंकि इसके बेस में पत्थर भरे पड़े हैं। पर हाँ यार चॉइस तुम्हारे भाई की अच्छी है, काफी बढ़िया दिख रहा है कोने में, पूरा पेड़ है इतना ऊंचा है। मैं इसकी लीफ भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ये थोड़ी ना फोल्ड सी हो गई है तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग जितना चाहूँ उतना वाइड कर सकता हूँ। बट जो भी है जैसा भी है भाई बहुत सही दिख रहा है। तो ये था राइट कॉर्नर, अभी मेरे पास सामान है लेफ्ट कॉर्नर के। लेफ्ट वाले कॉर्नर में मैं लगाने वाला हूँ एक ये लैंप। क्रेजी सारी लाइट बंद करते हैं इसे। मुझे मालूम है इस टाइम मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा बट रूम की वाइब देखो भाई। यार वैसे तो अभी बाकी लाइट जलाने का मन कर नहीं रहा है बट हाँ और भी काम करना है तो लाइट जलानी पड़ेगी। अब मेरे को लेकर आना है यहाँ पर एक बेड, तो चलो लाते हैं। और क्या तुम्हें ये बेड थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट एक्चुअल में ये सोफा कम बेड है, मतलब ये सोफा भी बन जाता है और मैं इसे बेड भी बना सकता हूँ। तो जब मेरे को बैठना होगा तो मैं सोफा बनाऊंगा, सोना होगा तो बेड बना दूंगा इसे। तो इसको भी गिराते हैं। तो बेड आ चुका है अपना, इसको थोड़ा सा बाहर करता हूँ। तो ये था बेड का हाफ पीस, अभी हाफ पीस मुझे लाना है तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि वो उसके साथ अटैच होगा। मेरा बेड रेडी हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने। बत्ती बंद कर दिया। बत्ती। अब बारी है मिरर लगाने की जिसको मैं लगाने वाला हूँ सामने। इसको 2 सेकंड ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा बस। ये आ गया भाई। रूम में ना सारे आइटम होने चाहिए, छोटा सा रूम है बट बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। ओके ऑल राइट। तो भी मिरर भी यहाँ पर एकदम मस्त फिट हो चुका है इस छोटे से रूम में। मैं पता नहीं कितनी चीजें लेकर आ चुका हूँ बट अभी ये है कि मैं गेम खेलते खेलते खुद को देख पाऊंगा और साथ ही थोड़ी बहुत बॉडी भी फ्लेक्स कर सकते हैं भाई, यहाँ पर पता चलना चाहिए भाई कितनी बन रही है। तो अभी ऑलमोस्ट सारे काम निपट चुके हैं बट अब बारी है सबसे डेंजरस काम की और वो है मेरे को अपना पूरा गेमिंग सेटअप लाकर इस टेबल पे फिट करना है। इस काम में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ लेकिन जो बात आती है ना वायर मैनेजमेंट की कि तारे नहीं दिखनी चाहिए वो बहुत मुश्किल है। तो चलो भाई पीसी लेकर आते हैं, अब चेयर वेयर सब आएगा इधर। अभी तो अपना गेमिंग बीस्ट मैं लेकर आ चुका हूँ, फटाफट से इसको रखते हैं यहाँ पे। भाई बहुत भारी है उतरी, एक तो टेबल ने अलग परेशान करा हुआ है। तो अभी इसको मैंने टेम्परेरी ऐसे रख दिया क्योंकि बहुत सारी वायर्स अटैच करनी है बट हाँ टास्क ये है कि मुझे यहाँ पर लगाने हैं 3 मॉनिटर्स। यार देखो मैंने ना हमेशा से अपने मॉनिटर्स को लैंडस्केप पे रखा है बट आज मैं अपने एक प्राइमरी मॉनिटर को लैंडस्केप रखूंगा, बाकी दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों मॉनिटर पोर्ट्रेट पे होंगे। एक आएगा चैट रीड करने के और एक में मल्टीटास्किंग एप्लीकेशंस रन करेंगे। तो मेरे पास वैसे तो सिंगल स्टैंड भी है, ये देखो ये रहा, बट ये बहुत कमजोर है भाई, ये वेट ही नहीं उठा पा रहा, मेरे मॉनिटर्स इतने हैवी हैं। तो इसीलिए मैं ये अपना ड्यूअल स्टैंड यूज करने वाला हूँ, इसका एक हैंड काम आ जाएगा और दूसरे पे मैं माइक अटैच कर दूंगा। थकावट हो गया भैया मॉनिटर टांग टांग के। एंड ये हो चुका है अपना गेमिंग सेटअप डन। तुम्हारा भाई अब यहीं बैठ के गेमिंग करेगा फुल। डन सीन है, पूरा गेमिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब बस डेकोरेशन वाली चीज़ें रह गई हैं जो कि बस मुझे ये रैक में ला के रखनी है, कुछ टेबल पे ला के रखनी है। मेरे पास बहुत सारी कार्स है, बहुत सारी एक्शन फिगर्स है, बहुत सारे टॉयज़ हैं जो कि मैं ला के सजाने के लिए रख सकता हूँ। बट यार एक चीज़ है जो कि मिस हो रही है अपने गेमिंग रूम में, वो है लाइट्स। हाँ मतलब गेमिंग रूम में काफ़ी सारी अलग अलग कलर की लाइट होनी चाहिए जो कि मेरे पास है, बस उसको सेटअप करना है। तो फिर अभी एक नॉर्मल लुक देखो तुम, तो ये है अपना नॉर्मल रूम विदाउट स्टूडियो लाइट। और अभी मैं रूम की भी लाइट बंद कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है तो वो है कुछ RGBs, तो अब वो मुझे यहाँ पर लाकर लगानी है। तो मेरे पास एक मस्त है, लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है रूम। बट हाँ RGB लगाने से पहले मैं काफ़ी सारी एक्शन फिगर्स एंड टॉयज यहाँ पर ला के रखने वाला हूँ और सेटअप को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है रूम को डेकोरेट करने की। वैसे तो मेरे पास बहुत सारा सामान है, बहुत सारे एक्शन फिगर्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं ना कुछ नया नया सामान खरीद के लाया हूँ। ये देखो एक ये पुराना सा प्लेन है, इसको मैं रख दूंगा कहीं तो, और एक ये प्लांट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगर मैं इसके टॉप पे रखूँगा
तो देखो कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, थोड़ा एंगल बढ़िया सा कर देते हैं। यस मस्त दिख रहा है। मेरे पास एक ये यूट्यूब का लोगो है और इसको भी मैं यूँ लगा सकता हूँ, बट ये थोड़ा बड़ा हो रहा है यार, तो यहाँ रख देते, थोड़ा नीचे साइड से दिखेगा क्योंकि मेरा कैमरा इधर रहेगा। मेरे पास एक ये प्लेन है, इस प्लेन को मैं रख देता हूँ यूँ। भाई क्या प्यारी लुक आ रही है यार। ये कोई डेकोरेशन आइटम नहीं है, डस्टबिन है क्योंकि मैं कूड़ा बहुत फेंकता हूँ और मेरे को सेटअप से दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो यहीं कूड़ा फेंकूंगा अब से मैं। एक है मेरे पास ये बुगाटी, तो इस बुगाटी को मैं रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रोल्स रॉयस भी है और मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ, तो रोल्स रॉयस को भी यहीं पर लगा देते हैं ताकि मैं रोल्स रॉयस के साथ सोने वाला हूँ मैं। एक यार ये बढ़िया सा लैम्प था, इसमें एक्चुअल कैंडल तो नहीं है बट ये बहुत सही दिखता है, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये अपना चलते रहेगा इसके साथ में। मैं यार एक सेकंड, ये बुगाटी ना यहाँ नहीं ठीक लग रही है, बुगाटी मेरे को मेरे सेटअप पे चाहिए, सोच रहा हूँ इसको यहाँ रख दूँ, यहाँ ज़्यादा बढ़िया दिख रही है। मेरे पास एक कैनन थी, इसके लिए मैंने जगह बना रखी है इधर। ये वैसे वुड की है, ये भी वुड का है तो मर्ज हो गई भाई बिल्कुल। तीन ये प्लांट्स हैं तो इनको भी यहाँ पर लगा देता हूँ, तीनों को एक साथ। मेरे पास माइनक्राफ्ट का ये पिकैक्स है और इस पिकैक्स को कहीं भी रख सकता हूँ मैं, इसे यहीं रख देता हूँ अभी, बहुत आइटम है वो भी ला के रखेंगे। बाकी हाँ यार, ये मेरा यूट्यूब का दिया हुआ पिलो है तो इसको मैं अपने बेड पे रख देता हूँ। अब चैन की नींद आने वाली है भाई, सब कुछ क्या बढ़िया रूम बन गया यार। बस अभी ना इस रूम में एक ही कमी है जो कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, वो है RGB लाइट्स की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से इस नॉर्मल से रूम को RGB लाइट में सेटअप करते हैं। तो 3, 2, 1 लेट्स गो गाइस। तो ये है अपना गेमिंग रूम कुछ RGB लाइट्स के साथ। अब फुल बैकग्राउंड में तुम्हें गेमिंग वाइब आने लगी होगी, बट मुझे ना अभी भी थोड़ी बहुत कमी इस रूम में लग रही है, और वो है कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील वाला सेटअप नहीं है जो कि मैं प्रॉपर लेकर आया हूँ, उसे बनाने वाला हूँ। बट उससे पहले ना मैं थोड़े शू बॉक्सेस लेकर आया था, इसके अंदर मैं अपने शू रखने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली है, इसे यहाँ पर लगा देते हैं नीचे, इधर रखूंगा भाई। तो ये है मेरे कुछ शूज जो कि मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। वैसे तो यार मैं इतना बड़ा शूज का शौकीन नहीं हूँ, बट इस रूम में मैं वो सारी चीजें रखने वाला हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये शूज तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कितना घिस चुका हूँ, हर जगह मैं यही पहन के पहुंच जाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ रखने वाला हूँ। इसको डालेंगे इसमें, ये बहुत सही। ये शू मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि सुपर गेमिंग टीम ने मुझे गिफ्ट करे थे, इसमें मेरा प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, पूरे हैंड पेंटेड है, तो इस शू को भी मैं रखने वाला हूँ सबसे ऊपर। लेट्स गो। बाकी ये शू बहुत बड़े पहाड़ जैसे हैं, मैं भी रिसेंटली बार्सिलोना गया था और मैंने वहाँ से ये लिए थे, इसको भी रखते हैं भाई। ये इतने बड़े हैं, इसके अंदर है ही नहीं रहे, आ गए थोड़ा खुल गया। एंड ये है मेरे लास्ट शू। ऐसे तो कुछ स्पेशल नहीं है बट मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में आज तक जितने जूते पहने हैं ना भाई, ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, तो मैं इसको यहाँ पर रखने वाला हूँ। देन हो गया कंप्लीट भाई। एक चीज़ और मैं खरीद के लाया था, तो ये मैं एक छोटी सी प्यारी सी सीट लेकर आया था इसे साइड में रखने के लिए, ताकि जब भी मुझे कहीं जा रहा हूँ मैं ऐसे शूज़ निकालूँ इसमें से और यहाँ पर बैठ के आराम से पहनूँ। बस खत्म भाई, मेरे रूम में सारी चीजें हैं जो कि एकदम प्रॉपर प्लानिंग से बनी है। भाई मैं ना वो बंदा हूँ जो रूम को पूरा भर के डेकोरेट करने वाला है, तो इसीलिए मैंने कि फेक स्वॉर्ड लेकर आया था थोड़े वॉरियर टाइप की, और इसका ये फ्रेम है और मैं इसको टांगने वाला हूँ अपने बेड के एग्जैक्ट ऊपर। बट उससे पहले ना मुझे इसे थोड़ा बहुत असेंबल करना होगा, तो वही मैं देख रहा था इसे करना क्या है। इसका 2-3 स्क्रू मिले हैं मुझे इसके साथ, क्या सिस्टम है भाई इसका। तो इस स्वॉर्ड को वॉल पे हैंग करने के लिए मुझे इसके फ्रेम की ड्रिलिंग करनी होगी, बट उससे पहले ना इसे थोड़ा असेंबल करना है ताकि मैं स्वॉर्ड को इजीली हैंग कर पाऊँ। तो 2-3 ये नट्स दिए हैं लगाने हैं, तो ये दोनों साइड ऐसे नट लगेंगे, फिर उसके बाद ये वॉल पे हैंग होगा, तो स्वॉर्ड इसके अंदर ऐसे जाएगा जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। ऐसे ये वाली फील आएगी फुल। तो जैसे 2 स्क्रू ऊपर लगे हैं वैसे ही 2 स्क्रू नीचे भी लगेंगे इसकी ब्लेड को होल्ड करने के लिए। तो थोड़ा DIY जुगाड़ लगाया एक प्लास्टिक की बोतल में, ताकि जो मिट्टी है वो इस अच्छे कमरे में ना फैले। बड़ा दुख होता है यार, पहले तुम एक वॉल को पेंट करो फिर उसे थोड़ा सा खराब कर दो, बट ठीक है। ये अच्छे से जा चुका है उसके अंदर और मुझे इसे स्क्रू से टाइट करना है। चलो भाई, तो कील मस्त ठोक दिया, अब बारी है इसको टांगने की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सारे काम इतने प्रोफेशनली कैसे कर रहा हूँ भाई, मैं पिछले जन्म में कहीं कोई यही सब काम तो नहीं करता था। ये लो भाई, मस्त लग रही है भाई स्वॉर्ड। मेरा बेड है उसके ऊपर स्वॉर्ड है, बस रात में सोते हुए मेरे ऊपर गिर गई ना भाई, बहुत तेज नहीं, गेम ही ओवर होना पक्का है। ये तो हो गई। अब मेरा प्लान है यहाँ पर एक क्लॉक लगाने का जो कि मैं लेकर आया हुआ हूँ, तो उसे टांगते हैं फटाफट। चलो भाई, तो यहाँ पर भी एक मस्त नेल इंस्टॉल कर दिया है, अब इसके ऊपर एक क्लॉक टांग देते हैं। बात तो फाइनली रूम फुली कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है कुछ सिनेमैटिक शॉट्स की।
तो चलो गाइस आज के सॉली वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा ये न्यू गेमिंग रूम देख के जो कि मैंने बहुत ही कम टाइम में और खुद बनाया। अगर आप लोग को ये रूम अच्छा लगा है तो फटाफट से जाओ नीचे लाइक का बटन है उसे दबा दो और कमेंट्स में मुझे ये बताना कि आप लोग इस रूम को 10 में से कितने नंबर दोगे। बाकी यहाँ जो लोग भी चैनल पर न्यू है तुम एक काम करो, हाँ सब्सक्राइब का बटन है ना उसमें बिल्कुल ऐसे ड्रिल मशीन चला डालो फटाफट से, यू जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं करा। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट मंथ की 15th को एक बहुत ही क्रेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। भाई घर की ना बहुत गंदी बैंड बजी पड़ी है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है, रास्ते पजल हो रखा है भाई। देखना ये वाला रास्ता देखना पता नहीं कहाँ जा रहा है, किधर है भाई? अच्छा ये देखो पौधा गिरा हुआ है कहीं। आ जा भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, गिर जाएगा वरना, आ जा। हाँ ये देखो काम चल रहा है अभी इधर, ये हमारे भाई ने बनाई है। बस बस यही है हाउस टूर।